मामले में हुई थी गिरफ्तारी। साल 2005 में दर्ज हुआ था मामला। मधुपुर उपचुनाव को लेकर बयानबाजी शुरू। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने मंत्री सत्यानंद भोक्ता पर उठाए सवाल। मंत्री सर्किट हाउस में आराम करने जा रहे मधुपुर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के चौथे स्थापना दिवस को किया गया स्थगित। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते लिया गया फैसला। सीएम सोरेन भी होने वाले थे शामिल। कासगंज में सपा और बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। बीजेपी नेताओं ने पार्टी पर लगाया डमी प्रत्याशी उतारने का आरोप। पंचायत चुनाव को बताया फिक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। 16 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन मामले में समस्तीपुर कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। एसजीएम के कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जेडीयू एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा, विभूतिपुर के पूर्व विधायक, कांग्रेस के पूर्व नेता समेत सभी को न्यायालय ने रिहा कर दिया है। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर 2005 को जीआरपुर ब्लॉक में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जीआरपुर थाना के में मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें सभी को न्यायालय ने फिलहाल रिहा कर दिया है। जजमेंट था और जजमेंट में सभी जो अभियुक्त थे सब लोगों को बरी कर दिया गया। तो हम सब नहीं नहीं बरी कर दिया गया, उसमें कोई आरोप में दम ही नहीं था। पता नहीं उस समय के अधिकारियों ने किस गलतफहमी के चलते मुकदमा कर दिया था, लेकिन आज अंतिम रूप से जजमेंट आ गया है, बरी कर दिया कोर्ट ने। हम कोर्ट के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। तो वहीं मधुपुर उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीति ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है और बयानबाजी का दौर भी अब शुरू हो गया है। एक ओर आरजेडी ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है और तमाम सत्ताधारी पार्टी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि मधुपुर में गठबंधन सरकार की जीत होगी और चुनाव प्रचार लगातार हो रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने मंत्री सत्यानंद भोक्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है वो बस दावे कर रहे हैं और झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। वो मधुपुर तो जाएंगे लेकिन प्रसार प्रचार नहीं होगा, बस सर्किट हाउस में आराम होगा। देखिए, वो क्षेत्र जाने से पहले जब ऐसी बातें कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ माहौल बनाने के लिए मंत्री जी बींगे हाँक रहे हैं। क्षेत्र जाने के बाद 4-5 दिन दौरा करने के बाद अगर कोई कहे कि माँ यहाँ स्थितियाँ हमारी अनुकूल हैं और हम जीतेंगे तो समझ में आता है, लेकिन ये हवा हवाई नेता हैं और ये ज़बरदस्ती ऐसे ही माहौल बनाएंगे। ये संभवतः कहीं घूमेंगे भी नहीं, सर्किट हाउस में रहेंगे, वहीं से घूम के वापस आ जाएंगे और कहेंगे हमने प्रचार किया। तो ऐसे नेताओं की कमी नहीं झाड़। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार फोन लाइन पर मौजूद हैं। शुभम, जैसे जैसे मधुपुर उपचुनाव सामने आते जा रहे हैं, पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बयानबाजी भी शुरू हो गई है और ऐसे में सत्ताधारी पार्टी का दावा है कि गठबंधन की जीत होगी, तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने मंत्री पर सवाल उठाए हैं। जी बिल्कुल, देखिए राखी, यह मामला जुड़ा है मधुपुर चुनाव से। जब से मधुपुर के बिगुल बजे हुए हैं चुनाव को लेकर, तो तमाम राजनीतिक पार्टी में कैसे रही है और आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला बखूबी बरकरार अभी तक तो है। लेकिन अगर बात करें जिस तरीका से राजद के मंत्री सत्यानंद भोक्ता, जो कि झारखंड सरकार के एक मंत्री पद पर हैं, और जिस तरीका से उन्होंने स्टार प्रचारक के रूप में मधुपुर जाने का फैसला लिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है जीत वहां पर जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की हार होगी, उसी बयान का पलटवार करते हुए कह सकते हैं और उसी शब्द का पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी में एक आक्रोश देखा गया। और आक्रोश के दौरान इस बात को साफ जाहिर किया गया है कि जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अपनी दावे कर रही है कि हम जीत में, हम मधुपुर और
दलील पेश कर रही कि हम जीत दर्ज करेंगे। अब बहरहाल यह देखना होगा कि मधुपुर की जनता किसे अपना मत देती है, और ये सारा कुछ अब मधुपुर की जनता पर निर्भर करता है और जनता किसे अपना मत देकर विजय बनाती है। जी शुभम, बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता है उन्होंने मंत्री सत्यानंद भोक्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है वो बस दावे कर रही है और झूठी बयानबाजी कर रही है। वो मधुपुर तो जाएंगे लेकिन बस सर्किट हाउस में आराम होगा, प्रचार नहीं होगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीका से कुछ ही दिन पहले, अगर दो दिन पहले की बात करें तो राजद के द्वारा प्रेस कहीं भी प्रतुल सहदेव जी शुभम, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो मधुपुर उपचुनाव को लेकर बयानबाजी लगातार जारी है। मधुपुर में बीजेपी का झंडा हटाया जा रहा है जिसे लेकर बीजेपी के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में लिखा है कि मधुपुर उपचुनाव में जिला प्रशासन के सर्वोच्च पदाधिकारी से लेकर निचले कर्मचारी पूरे विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का झंडा बैनर जबरन हटवाने का काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने ये मांग की है कि जबरन झंडा उतारने में जिस पदाधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाए उसे जल्द से जल्द चुनाव कार्य से मुक्त कर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जाए। तो वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार कर कहा कि बीजेपी गलत बयानबाजी कर सिर्फ राजनीति रोटियां सेकना चाहती है। हो सकती है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। मधुपुर भारतीय जनता पार्टी यह मान चुकी है कि हम चुनाव हार रहे हैं, वहां की जनमानस बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गई है। एक तो भारतीय जनता पार्टी बोरो प्लेयर लेकर के मधुपुर का चुनावी मैदान में उतरी, वहीं उस बोरो प्लेयर को भी जनता का समर्थन प्यार आशीर्वाद ना मिलना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खिसियाहट का सबब बन चुका। पार्टी के ऊपर यह कहावत बिल्कुल चरितार्थ हो सकती है कि खिसियानी बिल्ली खंभा लो। तो वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने बाबूलाल मरांडी के बयान पर पलटवार किया जिसमें बाबूलाल मरांडी ने 10 मई को झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने की बात कही थी, जिसके बाद अभय सिंह ने बाबूलाल मरांडी पर पलटवार करते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी अब तक विपक्ष के नेता नहीं बन पाए हैं, ऐसी बात का उन्हें मलाल है और यही कारण है कि वो उल जुलूल बयान दे रहे हैं। पहले वे विपक्ष के नेता बन जाए यही उनके लिए सबसे बड़ी बात होगी। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और उनके ऊपर ऐसे नेता आरोप लगा रहे हैं जिनका झारखंड में कोई वजूद ही नहीं है, तो कम से कम उन नेताओं को यह सोचना चाहिए कि हम लोग किन नेता के बारे में बात कर रहे हैं जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके बारे में कुछ भी टिप्पणी करने से पहले उनको 100 बार सोच विचार कर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। विपक्ष के नेता नहीं बने हैं तो वो तिल मिलाए हुए और तिल मिलाने पर लोग बात करते रहता है। तो बाबूलाल जी को हम लोग पहले समझते थे कि सन्निहित नेता हैं, मगर ये जो है नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिलने से उनको बौखलाहट है और बौखलाहट में अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं। कासगंज में सपा और बीजेपी ने जिला पंचायत सदस्य के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इस बीच बीजेपी नेताओं ने पार्टी पर डमी प्रत्याशी उतारने का आरोप लगाया है और कहा कि जिला पंचायत चुनाव फिक्स हो गया है। साथ ही नेताओं का कहना है कि सालों से तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया है बल्कि दूसरे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है जिनका उस क्षेत्र में कोई जनाधार नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के जो जिला पंचायत की सीटें घोषित की हैं, इन सीटों में जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनको देख करके मैं ही नहीं बल्कि पूरे जनपद कासगंज के अंदर लोग आश्चर्यचकित हैं। कई नाम ऐसे हैं जिनकी लोगों को उम्मीद ही नहीं थी, मतलब चर्चा में ही नहीं थे, उनका कहीं जिक्र भी नहीं था, किसी को पता भी नहीं था, और ऐसे नाम भी इसमें घोषित हुए हैं जो मैं समझता हूँ
बिल्कुल भी लोगों को अपेक्षा नहीं थी, तो इसको लेकर के ये बहुत ही आश्चर्य। तो कासगंज में सपा और बीजेपी ने जिला पंचायत सदस्य के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इस बीच बीजेपी नेताओं ने पार्टी पर डमी प्रत्याशी उतारने का आरोप लगाया है और कहा कि जिला पंचायत चुनाव फिक्स हो गया है। इसके साथ ही नेताओं का कहना है कि सालों से तैयारी करने वालों की टिकट काटकर नए उम्मीदवारों को टिकट दे दी गई है जिनका उस क्षेत्र में कोई जनाधार नहीं है। तो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन इसी बीच जो कार्यकर्ता है उनका कहना है कि पार्टी ने डमी प्रत्याशी उतारे हैं और इसके साथ ही जिला पंचायत पूरी तरीके से फिक्स हो गया है। इसके साथ ही नेताओं का कहना है कि सालों से तैयारी करने वाले कार्यकर्ताओं का टिकट काटकर दूसरे उम्मीदवारों को टिकट दे दी गई है जिनका उन क्षेत्र में कोई जनाधार ही नहीं है। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता कृष्णा सोलंकी फोन लाइन पर मौजूद है। कृष्णा, जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने और सपा ने उम्मीदवारों की लिस्ट तो जारी कर दी, लेकिन यहाँ बीजेपी नेताओं ने पार्टी पर डमी प्रत्याशी उतारने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उनका कहना है कि जिन्होंने काम किया उनको टिकट ना देकर दूसरे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो बीजेपी के नेता हैं उनके द्वारा सीधे आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने डमी प्रत्याशी खड़े कर दिए जिनका की कोई जनाधार नहीं है जी। और आपको बता दें जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी हुई है उस पर जो बीजेपी के नेता हैं उनका कहना ये है कि जिस तरीके जो बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है वो सिर्फ और सिर्फ वो ऐसे कहा जाए कि उन नेताओं की लिस्ट जारी की है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है और वो कभी भी सक्रिय कार्यकर्ता भी नहीं थे पार्टी के जी। कृष्णा, कौन कौन से ऐसे प्रमुख नाम हैं जिनको इस सूची में जगह दी गई है अगर बीजेपी की बात करें तो? जी बिल्कुल, आपको बता दूं एक वार्ड नंबर 12 की बात की जाए तो वहां पर ऐसे कहा जाए एक प्रेम साहू जी थे जिनका जी। नाम काट करके सीमा साक्का जी को टिकट दी गई जिनका कोई जनाधार नहीं है वहां पर और उन्हें कोई जानता भी नहीं है जी। कृष्णा, एक कार्यकर्ता सालों साल काम करता है पार्टी के लिए, लेकिन जब इस तरीके की बातें सामने आती है कि उनको टिकट ना देकर किसी और उम्मीदवार को खड़ा कर दिया जाता है, इसके साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है जिनका उस क्षेत्र में कोई जनाधार तक नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो भावना है एक कार्यकर्ता की वो काफी यहाँ पर आहत होती नजर आती है। बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरीके से कार्यकर्ता की माने तो वो कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं और ऐसे कार्यकर्ता जो कि लगातार 4 वर्षों से अपनी मेहनत कर रहे हैं जिला पंचायत चुनाव को लेकर, उन्होंने पैसा भी खर्च किया, समय भी खर्च किया, उसके बावजूद अगर उनकी टिकट काटी जाए किसी वजह से और ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी जाए जिसका कोई जनाधार नहीं है तो फिर वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मन को हताश करने वाली बात है जी। कृष्णा, किसी बीजेपी के बड़े अधिकारी का इस मामले को लेकर कोई बयान सामने आया हो या फिर कार्यकर्ता को कोई आश्वासन दिया गया हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, लेकिन हमारी जिस तरीके से बीजेपी के जो कुछ नेता हैं उनसे बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना यह है अगर उनकी टिकट काटी गई है और अगर उन्हें टिकट नहीं मिलती और इस पर कोई संशोधन नहीं किया गया तो फिर वो निर्दलीय उम्मीदवारी करेंगे, कहीं ना कहीं वो बागी तेवर अपना सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो दरभंगा में कोचिंग संस्थान बंद करने के खिलाफ लहेरिया सराय टावर चौक पर प्रदर्शन किया गया जिसमें सभी छात्रों के साथ नेहरू स्टेडियम धरना स्थल से विरोध प्रदर्शन शुरू कर टावर चौक तक जाम किया गया। वहीं आक्रोशित छात्रों ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। आपको बता दें कि सरकार की ओर से कोचिंग संस्थान बंद करने के घोषणा के खिलाफ सभी छात्र ने इस नियम का विरोध किया और सरकार से मांग की, जहां उन्होंने कहा कि एक नया गाइडलाइन जारी करें, उसके हिसाब से सब छात्र कोचिंग संस्थान जाएंगे और जो गाइडलाइन आएंगी उसे 100% उसका पालन किया जाएगा। मोदी जी इतना रैली कर रहे हैं वो ठीक है, रैली में लाखों भी है लेकिन वहाँ करोना नहीं है, यहाँ पे विद्यार्थी के लिए करोना है, ये कहाँ का न्याय है? सब रैली हो रही है उसमें भीड़ नहीं होता, उसमें कोरोना नहीं होता है, 7 लाख का भीड़ होता है। हम लोग को तो शर्म इस बात की है कि हम लोग ऐसा प्रतिनिधि को चुने हैं जो हम लोग को चाहते हैं कि आप मेरा बच्चा खुद मूर्ख रहे। बिहार सरकार के द्वारा एक सूचना दिया गया है कि हर बिहार में सब कोचिंग संस्था को बंद कर दिया जाए और विद्यार्थी को
मतलब कोचिंग संस्था नहीं आने दिया जाए, इसको लेकर हम लोग ने जितना भी स्टूडेंट है सब यहाँ पे धरना दे रहे हैं। हम लोग धरना स्थल से लेकर टावर तक आए हैं कि कोचिंग संस्था बंद नहीं होगी, सरकार एक नया गाइडलाइन जारी करे जिसमें मतलब हम लोग पढ़ाई करें, हम लोग कोचिंग संस्था जाएं पढ़ाई करें, अपना मांग हम लोग का यही है। तो वहीं रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का चौथा स्थापना दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन कोविड 19 की वजह से 2020 में स्थापना दिवस नहीं मनाया गया था और इस साल कोरोना के दूसरे स्ट्रेन के बीच भव्य आयोजन होने वाला था, लेकिन स्थापना दिवस को स्थगित कर दिया गया। हालांकि स्थापना दिवस के समारोह के लिए सीएम हेमंत सोरेन को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा चुका था, लेकिन राजधानी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस स्थापना दिवस समारोह को स्थगित कर दिया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में 11 अप्रैल का स्थापना दिवस मनाने की बात हो रही थी और होगा भी, लेकिन ये स्थापना दिवस हम लोग बिल्कुल ही सिंपल ढंग से मनाएंगे, नॉन फॉर्मल ढंग से, अनौपचारिक ढंग से हम लोग ये मनाएंगे स्थापना दिवस। माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा। तो वहीं कोरोना को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है जिसमें रेल परिचालन से लेकर यातायात सेवा पर इसका असर देखने को मिल रहा है। पटना की सरकारी बस स्टैंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार गौतम ने। बिहार में राजधानी पटना में कोरोना का कहर जारी है। 1911 यानी 1911 नए मामले आए हैं बिहार में, तकरीबन 450 से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ राजधानी पटना में है। ऐसे में आम लोगों के बीच चलना फिरना, अपने काम को दिनचर्या में काम को शुमार करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि जो पटना है वो सुबह उठते ही चल पड़ता है और इस चलने में क्या कठिनाई है हम आम लोगों से जानेंगे। आपको लगने लगा सर कि कोरोना एक बार फिर से वापस हो गया? हाँ, ये तो आ रहा है। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो रही है। हाँ, परेशानी हो रही है। हम लोग के डर तो बन गया है। बिल्कुल डर बना हुआ है। हाँ, डर बना। क्या कहेंगे सर, डर बना हुआ है इस बार फिर? नहीं, कोरोना कोई भयावह बीमारी है नहीं। बिल्कुल, इसलिए डर नहीं है। डर नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये भयावह बीमारी नहीं है, हमारे यहाँ इसका दवा है। अच्छा। और वैक्सीन भी बन चुका है। लोग ले रहे हैं दवा, उनको भी कोरोना हो रहा है? कोरोना नहीं है, हमारे यहाँ सही जाँच नहीं है इसलिए कोरोना नहीं है। आप क्या कहेंगे? नहीं, कोरोना तो है क्योंकि है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अपना अपना प्रिकॉशन लेकर के चलिए, सब ठीक हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि जो आम लोग हैं वो अब देखिए तमाम लोग मास्क को समझने लगे हैं, मास्क लेकर चल रहे हैं, मास्क लगा के चल रहे हैं, महिलाएं भी हैं। मैडम, आप लोग तो दिन भर जो सफ़र कर रही हैं तो कहीं ना कहीं ड्यूटी करती होंगी, आती जाती होंगी, कितना मुश्किल हो गया एक बार फिर से जो ये कोरोना वापस हुआ? मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं अभी वैक्सीन लेने के लिए एम्स में गई थी, मैं वैक्सीन लेके आ रही हूँ। अच्छा। लेकिन बाहर निकलने में डर तो लग रहा है, लेकिन प्रिकॉशन ले रहे हैं हम लोग, मास्क रेगुलर और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पुलिस के लिए भी बहुत चुनौती है, मैडम पुलिस डिपार्टमेंट में है, स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मियों को सलाम है क्योंकि कोरोना के वक्त में इन दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैडम, आपको पहले तो सलाम, और कि कितनी दिक्कतें हो रही है? हम तो सब दिन लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, हम चेक भी करवाए तो हमको कुछ नहीं निकला, क्योंकि जाने के बाद हम नहाते हैं, फिर कोई गर्म चीज़ पीते हैं, सुबह हम भी सब कुछ करते हैं, अपना सब कुछ किए और हम लगातार ड्यूटी करते रह गए, कभी कुछ नहीं। हमको चेक भी हुआ, हम राबड़ी देवी मैडम के यहाँ थे पहले, 1.5 साल वहीं रहे, लेकिन कुछ नहीं निकला हम लोग को। जितना लड़की ड्यूटी कर रहे थे कभी किसी को कुछ नहीं निकला, सब सेपरेट में अपना रहते हैं। अभी तुरंत जाएंगे, नहाएंगे, डिटोल से कपड़ा धोएंगे, हर चीज़ सब चीज़ रहता है ठीक ठाक है। बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पर देखिए, और जो जेंट्स हैं वो भी मास्क लगाए हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कोरोना की स्थिति भयानक है और ऐसे में कितना मुश्किल है सर इस बार उस चुनौती से जूझना? तो उससे ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए कि उस समय आदमी टेलर था, अब तो समझिए उसकी ज़्यादा परेशानी पड़ जाएगी। उस समय अभी तो उभरा नहीं था,
ठीक है ना, दोबारा कोरोना को मार तो आम आदमी के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। कोरोना तो है पर सबको अपने अपने काम पर जाना है, ठीक है, अब काम पर जाना तो रोक नहीं सकते ना कोरोना की वजह से, तो अपना एहतियात बदल के जाना है और कुछ नहीं। थैंक यू। तो आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भी जा रही हैं, लेकिन इनको पता है कि किस तरीके से दिन भर काम भी करना है, कोरोना से जूझना भी है, और यही है पटना। पटना जूझना भी जानती है, लड़ना भी जानती है, और सावधानी बरतना भी जानती है। सहयोगी सप्तऋषि के साथ कुमार गौतम, VIP न्यूज पटना। तो रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सीधे बिहार से, जहां कोरोना को लेकर CM की हाई लेवल बैठक। कोरोना को लेकर लगातार CM नीतीश कुमार सजग नजर आ रहे हैं और बैठक में कोरोना से बचाव पर चर्चा की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, डिप्टी CM समेत कई बड़े अधिकारी बैठक में मौजूद। कोरोना को लेकर बैठक की जा रही है और 11 से 14 अप्रैल तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, यह फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अच्छी संख्या में टीकाकरण किया जा रहा है, बैठक में यह जानकारी दी गई। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कोरोना से जुड़ी हुई टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर फोकस किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कोरोना को लेकर CM की हाई लेवल बैठक की जा रही है जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद हैं। और इस बैठक में कहा गया है कि कोरोना के बचाव पर चर्चा की गई है, इसके साथ ही कहा गया है कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर जोर दिया जाएगा। बैठक में कोरोना से बचाव पर चर्चा की गई है, डिप्टी CM समेत कई बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद। ग्यारह से 14 अप्रैल तक विशेष टीकाकरण अभियान। मशरक PHC में जब लोग वैक्सीन लेने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि PHC में वैक्सीन नहीं है, जिसके कारण लोगों ने बेरंग वापस लौटना पड़ा। बता दें कि सुबह से बैठे बुजुर्ग लोगों को इसकी जानकारी दोपहर में नोटिस बोर्ड पर दी गई, जिसको लेकर लोगों ने विरोध जताया, जिसमें बुजुर्ग और विभागीय कार्यालय के कर्मी भी शामिल हुए। वहीं कुछ बुजुर्गों का कहना है कि PHC में कुछ कर्मचारियों ने घूस मांगी कि कुछ खर्च करने पर टीका मिल सकता है। रामेश्वर घर चैन का भलवा वैक्सीन के टीका ले आयल बने 10 बजे आयल बने का भले क्यों ना बतेला के बाकी ना एक जना बार डॉक्टर उनका से पूछन यहां तो को हता रख दीजिए सर्जन से बात कीजिए, हम इंचार्ज कहां है पदाधिकारी कहां है, तो पदाधिकारी आज नहीं आए। मामला यही है, हमने देखा भीड़ भाड़ यहां पूरा काउंटर पर भीड़ लगी हुई है। औरत से मिलान हुआ, 65 साल की औरत है, वह बेचारी बोलती है कि हम 8 बजे से बैठे हुए हैं, ये लोग बोलता है नाम दे दिया, चिट्ठा लिख दिया, उसके बाद बोलता है वैक्सीन नहीं है ना, मंगल का हो तो भूत का। कोई पदाधिकारी यहाँ नहीं है प्रेजेंट में। प्रभारी को मिले हैं? हाँ, प्रभारी नहीं है। तो वहीं रांची सदर अस्पताल में कोरोना संक्रमण का दायरा फैल रहा है और कोरोना सैंपल को लेकर लेने वाले स्वास्थ्यकर्मी 5 जो हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। वहीं अस्पताल के करीब 7 डॉक्टर भी संक्रमित हो चुके हैं। आपको बता दें कि सदर अस्पताल में पूरी तरह से संक्रमण फैल चुका है, संक्रमण प्रभावित इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है और सैनिटाइजेशन के बाद OPD सहित दूसरी सेवाएं खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल इमरजेंसी विभाग सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। स्टाफ में जो लोग कोरोना टेस्ट करते थे, टेस्टिंग करीब 5 मिनट कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो आज तो टेस्टिंग तो आज एकदम आज नहीं हो रहा है, आज लोग नहीं कर रहे हैं टेस्टिंग। कल हम लोग देखते हैं, कल से फिर लोग शुरू कराएंगे। और CSR के ऑर्डर से OPD बंद कर दिया गया है, क्योंकि हम लोग ऊपर में कोविड वार्ड चला रहे हैं। कोविड वार्ड में 120 के बेड हम लोग नया जोड़े हैं, पहले से जो नंबर 60 बेड था उसके अलावा हम लोग 120 बेड और जोड़े हैं चौथा तल्ला में।
तो अभी करीब हम लोग के मरीजों की संख्या कोविड वार्ड में 110 करीब पहुँच गई है और हम लोग OPD हम लोग सभी इसमें बंद रहेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए रांची विश्वविद्यालय ने एक अहम फैसला लिया है। इस फैसले के अंतर्गत रांची विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को बंद करके दूसरे द्वार को खोलने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत आज CCDC के नेतृत्व में रांची विश्वविद्यालय के दूसरे द्वार का निरीक्षण किया गया। वहीं इस मौके पर मौजूद CCDC राजेश कुमार ने कहा कि कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है उसे देखते हुए रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुख्य द्वार को बंद करने का फैसला लिया है। विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं के लिए है, ना कि बाहर से आकर के लोग यहाँ पर घूमे या बैठे या आराम करें उनके लिए। तो कोविड का प्रभाव को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए, छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए, जो बच्चे माइग्रेशन के लिए, डिग्री के लिए, मार्कशीट के लिए यहाँ पर आते हैं या अन्य अपना एजुकेशनल पर्पस से या पूछने इंक्वायरी करने आते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के माननीय कुलपति महोदया ने ये निर्णय लिया है कि उस गेट को बंद किया जाएगा और अकारण लोग यहाँ आकर ना बैठें, भीड़ ना लगाएं, इस कोरोना के वैश्विक महामारी में उससे बचने के लिए इस गेट को खोला जा रहा है ताकि फ्लो कम हो। पूरब का जो गेट है, जो कि हमारा इसको कहा जाता है दुर्गा मंदिर बाड़ी रोड, इस रोड की तरफ से खुला करेगा और जो पश्चिम की तरफ गेट जो कचहरी रोड की तरफ है उसको हम लोग जो हैं बंद लगभग रखेंगे, क्योंकि उधर से हम लोगों ने जो विगत दिनों में अनुभव किया है कि जिनका कोई काम भी नहीं है वो भी इसमें चले आते हैं और लोग मार्केटिंग करने चले जाते हैं अपर बाज़ार में जो है। तो ये चीज़ से दिक्कत यही है कि ये कोरोना काल में बहुत ज़्यादा कैंपस में भीड़ लगाना, भीड़ होना, ये बहुत सुखद समाचार विश्वविद्यालय के लिए नहीं है। उसी के तहत हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि इस गेट को खोलेंगे और उसको हम लोग लगभग बंद रखेंगे जब तक कोई इमरजेंसी नहीं रहे। मान लो कोई इमरजेंसी होता है कि आकस्मिक आवश्यकता पड़ती है तब खोल सकते हैं, लेकिन ऐसे जो हमारा जो व्यवहारिक रूप से रोज की